हम बनाएंगे खट्टी मीठी खिचड़ी। इसके लिए हमने ये आधा कप गोविंद भोग चावल लिए हैं। चावल को अच्छी तरह से धो के 2 घंटे पहले भिगो दिया है। इधर आधा कप रहर की दाल, इसे तुअर की दाल भी कहते हैं, इसे भी 2 घंटे पहले भिगो दिया है। ये हम मट्टी की हंडी में बनाएंगे। 1 कप दाल चावल है इसलिए इसमें हम 4 कप पानी डाल देंगे। 4 कप पानी डाल दिया है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, नमक स्वाद के अनुसार डालें, इसे मिक्स करें और इसमें उबाल आने दें। गैस को तेज आंच पे रखें और इसमें उबाल आने दें। खिचड़ी में उबाल आ चुका है, अब गैस को धीमी आंच पे कर दें और इसे थोड़ा चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और डाल दें और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे उबालें। इसे पूरा नहीं ढके, इस तरह से ढक दें और बिल्कुल धीमी आंच पे रख दें जब तक ये पक ना जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहें। गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखें जब तक दाल और चावल पक ना जाए अच्छी तरह से। ये खिचड़ी का पानी सूख चुका है, देखिए इसमें 2 कप पानी और डाल दें। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं, जरूरी नहीं है मट्टी की हंडी में ही बनाएं। प्रेशर कुकर में उबालें तो इसमें सिर्फ 4 कप पानी डाल के ये बहुत जल्दी उबल जाएगा, करीब 2 सीटी में। मट्टी की हंडी में बना रहे हैं इसलिए पानी ज्यादा लग रहा है, प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो पानी सिर्फ 4 कप डाल के चढ़ा दें, उसमें 2 सीटी लगा लें तो हो जाएगा। ये इस तरह से हो गई है, इसे धीमी आंच पे रहने दें और इसका छौंकन तैयार कर ले। इसे धीमी आंच पे उबाल आने दें। तड़के के लिए गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, 1 टेबलस्पून घी डाल दें, घी को गर्म होने दें। घी गर्म हो चुका है, इसमें ये आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई, मोटी वाली राई ली है हमने, 1/4 चम्मच मेथी के दाने, ये भी डाल दें। इन सब का कलर चेंज होने दें। अब इसमें ये सूखी हुई मिर्ची 2 से 3 टुकड़े करके डाल दिया है, 3 सूखी हुई लाल मिर्च ले ली थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके वो भी डाल दिया है, थोड़े करी पत्ते, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हमने इस तरह से बारीक काट लिया है, टमाटर डाल के इसे चलाएं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, बहुत ज्यादा हींग नहीं लेना है, थोड़ा सा हींग डाल दें। इन्हें 1 से 2 मिनट तक भून लें, गैस को धीमी आंच पे रखें नहीं तो मसाला जल जाएगा। ये हो चुका है, अब इसे हम खिचड़ी में डाल देंगे। खिचड़ी भी हमारी उबल चुकी है, अब ये छौंकन इसमें डाल दें। छौंकन डाल दिया है, अब इसमें ये आधा कप पानी और डाल दें। ऐसे अच्छे से मिक्स करें। ये कुछ इस तरह की हो गई है। मट्टी की हंडी में बनाने से पानी थोड़ा ज्यादा लगता है, ये प्रेशर कुकर में उबाल के डाल देने से पानी कम लगता है। खिचड़ी भी सीज चुकी है, इसे 5 से 7 मिनट और उबाले धीमी आंच पे। चावल और दाल अच्छी तरह से सीज चुके हैं, इसे 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे उबाले
छौंकन देने के बाद 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून गुड़। गुड़ का पाउडर है हमारे पास, आप कोई भी गुड़ डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प, इमली को भिगो के उसे छान लिया था, गाढ़ा इमली का पल्प डाले। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प डाला है, अब इसे मिक्स कर ले। इसे करीब 2 से 3 मिनट और उबाले। ये देखिए खिचड़ी कितनी अच्छी बनी है। एक बार नमक टेस्ट कर ले, नमक अगर कम लगता हो तो थोड़ा नमक डाल ले। थोड़ा सा नमक और डाले, नमक थोड़ा कम है। नमक डाल के मिक्स करें। खिचड़ी इस तरह से बन चुकी है। गैस को बंद कर दे और इसे थोड़ी देर ढक के छोड़ दे। करीब 10 से 15 मिनट इसे ढक के छोड़ दे, ये और भी अच्छी तरह से घुट जाए। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालें, मिक्स करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। खट्टी मीठी खिचड़ी रेडी है। इसमें घी डाल के गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है, बनाने में भी आसान है।